जय नारायण बच्चों। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हमने एक क्लू के साथ सिंपल इक्वेशन चैप्टर को जाना, फिर हमने बेसिकली सिंपल इक्वेशन में फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन सीखा, कैसे हमें उसमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू दी थी, हमने उसे पुट करके उससे इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया। साथ साथ जो लास्ट एक स्टेप था जिसके थ्रू हम इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालते हैं, हमने उसे जाना। उसमें मैंने आपको 3 मेथड्स बताए। एक मेथड था एरर एंड ट्रायल मेथड, सबसे कन्वेंशनल मेथड, सबसे पुराना मेथड। सेकेंड हमने जाना था स्टेप बाय स्टेप मेथड, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग की थी। और थर्ड हमने जाना था कि किस तरीके से ट्रांसपोजिशन, मीन्स जो कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड पे, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि इक्वेशन यदि हमें ये दी गई है, सो इक्वेशन में जो कुछ भी हमारे लेफ्ट साइड होता है उसको राइट हैंड साइड के इक्वल होना होता है, तो तभी वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। इस तरीके से हमने जाना कि जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड के किसी भी नंबर को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे या राइट हैंड साइड की किसी चीज को लेके लेफ्ट में जाएंगे, तो उस सिचुएशन पे क्या होता है, उसी को हम ट्रांसपोजिशन मेथड कहते हैं। और इसी मेथड के थ्रू मोस्टली इक्वेशन सॉल्व होती है, बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट मेथड, दिस इज द न्यू मेथड, ये सबसे बेस्ट मेथड है जिसके थ्रू हम इक्वेशन की सॉल्विंग करते हैं। अब ये सारी चीजें आपने यहाँ पे पढ़ी, इसके बाद क्योंकि आप आज देख रहे होंगे कि हम एक्सरसाइज 4.4 के बारे में जानेंगे, तो 4.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कभी भी जब भी हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इक्वेशन हमें दी हुई हो। समटाइम्स ऐसा होता है, क्योंकि हमने पहले एक्सरसाइज में सीखा था कि यदि हमें एक स्टेटमेंट दिया है तो हम उससे इक्वेशन फ्रेम करते हैं, देन उसे हम सॉल्व करते हैं। तो यूजुअली इसको हम एक नाम से जानते हैं और वो नाम आज मुझे चेंज करना है, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि हम अपने मैथ्स में किसी तरीके के नेगेटिव वर्ड का यूज़ करें। यूजुअली आपने देखा है कि जब भी स्टेटमेंट्स में आपको क्वेश्चन दिए होते हैं तो आप उसको किस नाम से जानते हैं, वर्ड प्रॉब्लम, और ये नेगेटिव अप्रोच का वर्ड है जो कि मैं, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम, हम क्यों प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं, हम हमेशा उसको एक प्रॉब्लम की तरह लेते हैं, इस नाम से बुलाते हैं और फिर वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। 99% बच्चे बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं कि हम वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस मैम नहीं सॉल्व कर पाते, हमें नहीं समझ में आते। तो वर्ड प्रॉब्लम का आज से नाम खत्म, आज से आप उन्हें वर्ड प्रॉब्लम नहीं जानेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जानेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्यों, क्योंकि हम हमेशा स्टेटमेंट्स सुनते हैं अपने रियल लाइफ में और उन स्टेटमेंट्स को हमें इक्वेशन में सॉल्व करना है, इक्वेशन फ्रेम करनी है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आज से सभी बच्चे किसी भी स्टेटमेंट फॉर्म में दिए गए क्वेश्चन को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या एप्लीकेशन बेस्ड, दो नाम से हम उसे जानेंगे। फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, और आप इसे कह सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, बिकॉज जितने भी आपके ये क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको नथिंग एल्स, कुछ ना कुछ एक एप्लीकेशन, कुछ ना कुछ एक स्टेटमेंट दिया होगा जिससे आपको इक्वेशन फ्रेम करनी होगी। जैसे आपने बचपने में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किए, वो आपसे कहता था कि इफ़ यू हैव 100 रुपीज एंड देन 10 रुपीज वॉज स्पेंड बाय यू, देन हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट। तो आप एक लेफ्ट वर्ड से ये पकड़ लेते थे कि लेफ्ट का मतलब क्या है, माइनस, और आप 100 में से 10 को माइनस कर देते थे, 90 मार्क्स आ जाते थे, 90 नंबर आपके या 90 रुपीस आ जाते थे। लेकिन
आपको जब उसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने को कहा जाता था तो सबसे बड़ी परेशानी आपके लिए वही होती थी। इसीलिए मोस्टली बच्चे वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन, जिन्हें हमने अभी अभी नाम चेंज किया कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उसे छोड़ देते हैं। तो आज से इसको आपको करना है और बहुत ध्यान से समझना है कि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्या है। इनमें आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा और उस स्टेटमेंट में जैसा वो कह रहा है हमें वैसा ही करना है, नथिंग एल्स, बस जैसा स्टेटमेंट बोल रहा है आपको वही करना है। इसके लिए आपको बहुत ध्यान से स्टेटमेंट के एक एक वर्ड को समझना है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.4। यदि हम बात करें एक्सरसाइज 4.4 की, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया है सेटअप एन इक्वेशन। इक्वेशन को सेटअप करो, फ्रेम करो और सॉल्व करो, देन फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे आपको कुछ केसेस दिए हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपसे को उनसे बेस्ड क्वेश्चन बनाने हैं, यानी इक्वेशन बनाने हैं और इक्वेशन को फिर सॉल्व करके अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, क्वेश्चन ने कहा, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। एड 4 ऐड करिए, जोड़िए 2 किसमें, 8 टाइम्स अ नंबर, यानी 8 टाइम्स अ नंबर। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था टाइम्स का मतलब हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो किसी नंबर के 8 टाइम्स में 4 को ऐड करिए। अब ये किसी नंबर क्या है, फिर पहले वीडियो पे चले जाइए सिंपल इक्वेशन के, कि सिंपल इक्वेशन में मैंने बताया था यू डोंट हैव एनी मनी, मतलब यू हैव एनी मनी बट यू डोंट नो हाउ मच। आपको पता है कि कितनी मनी, आपको नहीं पता कि कितनी मनी आपके पास है, बट आपके पास मनी है। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे क्या मानते हैं, एक अननोन वेरिएबल, जो कि ए से लेके जेड तक कोई भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे लेट किया, लेट नंबर इक्वल्स टू एक्स, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते थे। अब उसने कहा 8 टाइम्स अ नंबर, यानी 8x प्लस 4, बिकॉज उसने कहा था ना एड 4, यू गेट 60। ऐसा करने पे तुमको मिलता है 60, तो जो मिल रहा है मुझे दैट इज इक्वल्स टू 60। तो दिस इज योर इक्वेशन। इस तरीके से हम इक्वेशन को फ्रेम करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो सिंपल स्टेटमेंट से इक्वेशन फ्रेमिंग नहीं है, आपको अब इसके अननोन वेरिएबल की वैल्यू भी निकालनी है। और इस तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करने के आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने मेथड बताया है, सो आप उससे इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, हमें दिया है बी। अगेन उसने कहा 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 ऑफ अ नंबर। तो अब यहाँ पे फ्रैक्शन वर्क करेगा, 1/5 क्या होता है, 1/5, ऑफ क्या होता है, मल्टीप्लाई, अ नंबर, अब ये अ नंबर हमें पता ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, लेट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। तो 1/5 ऑफ अ नंबर गिव्स 3, नहीं -4, 1/5 ऑफ अ नंबर -4, 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। तो मैंने आपको बताया था गेट्स, गिव्स, इज, इक्वल्स टू, ये सब हमें इंडिकेट करते हैं कि ये जो कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब ये कैसे सॉल्व करें, तो देखिए 1 into x क्या हो जाएगा, 1x, और आपको पता है कि x के आगे यदि 1 है तो हम उसे डायरेक्ट सिंपल x लिखते हैं, x upon 5 -4 is equals to 3।
अब अगेन ये क्वेश्चन आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में किया है, पहले हम इस माइनस फोर को इधर ले जाके प्लस करेंगे, देन हम इस फाइव को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि सॉल्यूशन आप कर चुके हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे यदि इक्वेशन ही फ्रेम गलत करेंगे तो सॉल्यूशन गलत आएगा, लेकिन एक बार यदि आपने इक्वेशन फ्रेमिंग प्रॉपर सीख ली सो आपके सॉल्यूशंस, तो आपने प्रीवियस जितने भी वीडियोस मैंने दिए इस सिंपल इक्वेशन के, उसमें आप इजीली सॉल्व करना सीखे हैं इन चीजों को। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सी। इफ आई टेक 3/4 अ नंबर, अगेन 3/4 अ नंबर, तो 3/4 मतलब 3/4, अ नंबर अगेन हमने x लेट कर दिया, तो 3/4 अ ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर, 3/4 और ऑफ के लिए इनटू अ नंबर दैट इज x माइनस एंड ऐड 3 टू इट। इफ आई टेक 3/4 अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट, मैं यदि 3/4 का नंबर लेती हूँ और उसमें 3 ऐड करती हूँ, आई गेट 21। तो अब क्या होगा, 3 इंटू एक्स, 3x/4 प्लस 3 इज इक्वल टू 21। अगेन ऐसे ही इक्वेशन को आपने सॉल्व किया है प्रीवियस में, इसको पहले आप इधर ले जाएंगे माइनस, देन ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई, 3 इधर जाके डिवाइड। सो आप यहाँ देख रहे होंगे इक्वेशन फ्रेमिंग ही बस बिग टास्क है आपके लिए, और वो आप धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें प्रैक्टिस करेंगे आपको वो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11, यदि मैं 11 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्ट मतलब कम करता हूँ, माइनस करता हूँ, फ्रॉम किसमें से, ट्वाइस अ नंबर में से 11 को कम करता हूं, तो अब आप बताइए किसमें से माइनस किया जा रहा है, ट्वाइस अ नंबर में से किसको किया जा रहा है, 11 को। हमेशा आपको मैम ने पढ़ाया होगा जब आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते थे कि 4 में से 2 को माइनस करो, 4 में से 2 को माइनस करो, तो हम क्या लिखते हैं, 4-2, जिससे माइनस किया जा रहा है उसको पहले, जिसको किया जा रहा है वो बाद में। तो सिमिलरली व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11, मैं 11 को माइनस कर रही हूँ तो वो बाद में लिखा जाएगा, और किससे कर रही हूँ, ट्वाइस अ नंबर, तो ट्वाइस अ नंबर अगेन हमने लेट अ नंबर इक्वल्स टू एक्स कर दिया, और ये हो गया ट्वाइस अ नंबर मीन्स 2x में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया, द रिजल्ट वॉज 15, ये रिजल्ट जो आया वो क्या है, 15 है। तो देखिए twice means 2 times, thrice means 3 times, तो इस तरीके से आप नंबर्स को इक्वेशन में फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, मुन्ना सब्ट्रैक्टेड थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज, ई है मुन्ना सब्ट्रैक्टेड, मुन्ना ने सब्ट्रैक्ट किया मतलब अगेन माइनस किया, थ्राइस द नंबर ऑफ बुक्स, थ्राइस द नंबर ऑफ बुक्स, थ्राइस मीन्स अभी अभी मैंने बताया 3 times, ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50, मुन्ना ने सब्ट्रैक्ट किया थ्राइस ऑफ नोटबुक्स फ्रॉम 50, फ्रॉम 50 तो 50 से उसने थ्राइस और नोटबुक्स को सब्ट्रैक्ट किया है, तो किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 50 से, इसलिए वो पहले लिखा जाएगा, कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, थ्राइस और नोटबुक्स, तो थ्राइस और नोटबुक्स मतलब 3, और नोटबुक्स है कितनी, वी डोंट नो, देन लेट नोटबुक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो थ्राइस अ नोटबुक्स मतलब 3x को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है किसमें,
50 से, तो माइनस. ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8. इस रिजल्ट को उसने कितना फाइंड किया? 8. अब अगेन इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर चुके हैं. मैंने बताया था यदि कभी भी ऐसे वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट लगा हो और उसके आगे साइन माइनस का है तो आप माइनस 3x उतारेंगे, ओनली 3x नहीं उतारेंगे. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था. फिर 8 हो गया और ये इधर जाके माइनस 50 हो गया. आपने इसे सॉल्व किया, कुछ नहीं कर पाएंगे. आपने इसे सॉल्व किया, माइनस 42 आया. कैसे आया? इंटीजर के रूल से. अब आप देखेंगे कि यहाँ पे माइनस 3 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x तो यही रह जाएगा और ये माइनस 3 पूरा उठ के, क्योंकि इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है? मल्टीप्लाई. यहाँ 3 नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है x से, यहाँ माइनस 3 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. अब आपने जब इसे डिवाइड किया 14 आया और दोनों माइनस मिलके क्या हो गए? माइनस माइनस प्लस. तो वी हैव 14 नोटबुक्स. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन को आपको ध्यान देना है, इसलिए मैंने इसको सॉल्यूशन को पूरा आपको करके बताया. फिर हमें एफ दिया हुआ है. इब्ने हाल थिंक्स अ नंबर. आप एक नंबर सोचिए, कोई भी नंबर सोच सकते हैं. ये गेम तो आप लोग खेलते भी हैं आपस में फ्रेंड्स. इफ शी एड्स 19 टू इट. अब उस जो भी नंबर सोचा उसमें 19 ऐड किया. अब जो हम सोच रहे हैं वो नंबर हमने सोचा है, सामने वाला कैसे उसको कैलकुलेट करेगा? तो आप लोग कहते हैं कि मैम कैसे कैलकुलेट करा आपने, मैम कैसे पता चल गया? तो मैंने क्या कहा कि इब्ने हाल ने जो नंबर लेट किया वो मैं मान लेती हूँ कि उसने क्या लेट किया है? x. अब उसने उसमें 19 को ऐड किया है, ऐड 19 टू इट एंड डिवाइड्स द सम. अब देखिए x और 19 दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? सम हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं. डिवाइड्स द सम, पूरे सम को डिवाइड करना है बाय 5 से. शी विल गेट 8, उसको मिलता है 8. अब क्या करेंगे? यहां पे यदि देखिए तो ये जो हमारा वेरिएबल है इसके साथ 19 ऐड हो रहा है और 5 डिवाइड हो रहा है, लेकिन सिर्फ वेरिएबल के साथ 5 डिवाइड नहीं हो रहा, 5 पूरे x प्लस 19 को डिवाइड कर रहा है. तो ऐसे केस में हम पहले 5 को उधर ले जाएंगे, तो x प्लस 19 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 5, ठीक है. डिवाइड था उधर, मल्टीप्लाई हुआ, x प्लस 19 इक्वल्स टू 40. सो x इक्वल्स टू 40 माइनस 19, हमारा आंसर आ गया 21. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है अगेन अनवर थिंक्स अ नंबर. अगेन अनवर ने एक नंबर सोचा, तो लेट नंबर इक्वल्स टू x. ही टेक अवे, टेक अवे ले लेना. जब किसी से कुछ ले लेंगे तो जब उसने उससे किसी ने ले लिया तो क्या होगा? ले लेने से कम चीज हो जाती है, तो जो नंबर था उसमें से टेक अवे हो गया. अनवर थिंक्स अ नंबर एंड इफ ही टेक अवे 7, 7 उसने टेक अवे कर दिया फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर. तो 5/2 ऑफ द नंबर में से उसने 7 ले लिया. 7 लिया है किसमें से? 5/2 ऑफ x से, इसीलिए 5/2 ऑफ x को आगे लिखा और 7 को बाद में लिखा. द रिजल्ट इज 23. और ऐसा क्वेश्चन तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे में कैसे करते हैं. ये हो गया 5x/2 माइनस 7 इक्वल्स टू 23. तो इस तरीके से आपने जाना कि स्टेटमेंट से हम इक्वेशंस कैसे बनाते हैं. अब इसके बाद आप देखेंगे तो अभी स्टेटमेंट्स थोड़े छोटे छोटे थे, अब स्टेटमेंट्स जो है वो आपको थोड़े से स्लाइटली बिग स्टेटमेंट्स दिए हुए, लंबे स्टेटमेंट्स दिए हैं. बट करना कुछ नहीं है, आपको इसमें
इक्वेशन ही फॉर्म करनी है। जैसे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इट्स अ रिडल, एक पजल है। आई एम अ नंबर, मैं एक नंबर हूँ। टेल माई आइडेंटिटी, मेरे बारे में बताओ। चलिए, हम एक नंबर है, बिल्कुल नंबर है एक। हमने कहा आई एम अ नंबर, ठीक, मेरे बारे में बताओ। टेक मी 7 times ओवर, मुझे 7 times लो। तो मैंने नंबर लिया 7 times 7x एंड एड अ 50, मुझ में 50 ऐड कर दिया। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, अब क्रिकेट में तो आप हमसे आ गए, तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100, और ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300। तो 300 तक पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड 40, 40 आपको अभी और चाहिए। तो आप इतने में यदि 40 और मिल जाए तो आप किस तक पहुंच जाएंगे, 300 तक पहुंच जाएंगे, यानी 40 अभी आपके पास कम है इतने तक पहुंचने के लिए। तो हमने क्या किया, 300 minus 40, क्योंकि 40 मेरे पास कम है। जब 40 कम है तो हम इतने के बराबर है, 40 और आ जाए तो हम 300 हो जाते पूरे। तो मैंने 300 में से 40 माइनस कर दिया, अब ये हो गया 7x plus 50 is equals to 260, और इसे तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, एक रिडल थी, उसमें भी इक्वेशन थी। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 2 and 3 में यूजुअली आपको इक्वेशन फ्रेम्स करने हैं, और ये आपने ऐसे इक्वेशन आपने उसमें भी फ्रेम किए हैं जो आपकी पहली एक्सरसाइज थी, जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस दिए थे। तो इनको आप बहुत ध्यान से करेंगे, और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 and 3 है, तो इसमें स्टेटमेंट्स यूजुअली कि जैसे सपोज आपको एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ इसका, कि उसने आपको दिया सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन एज राहुल, राहुल से कंपेयर किया जा रहा है सचिन को, कि सचिन ने ट्वाइस स्कोर किया है एज राहुल। तो राहुल के मार्क्स हमें दिए नहीं दिए, तो राहुल को हमने एक्सलेट कर लिया, और सचिन के दिए तो उसे कितना लेट किया हमने, क्योंकि सचिन ट्वाइस एज मैनी एज राहुल, तो 2x हो गया सचिन का। अब उसने कहा टुगेदर दे रन फेल 2 shots अ डबल सेंचुरी, तो इसको हम लोग लिख के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया, 2 है, 2 का सी दिया है सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी एज रन एज राहुल, तो राहुल से कंपेयर किया जा रहा है, इसीलिए लेट राहुल स्कोर इज इक्वल्स टू एक्स, जिससे कंपेयर करते हैं हमें उसी को एक्स लेट करना है। अब सचिन के क्या हो जाएंगे, सचिन स्कोर इज इक्वल्स टू 2x, टुगेदर मिलके कोई काम करते हैं तो मिलने पे क्या होता है, प्लस। देयर रन्स, जब टुगेदर मिलके दोनों के रन्स देखे गए, फेल 2 shots ऑफ अ डबल सेंचुरी, अभी ट्रिपल की बात थी, अब डबल सेंचुरी है, यानी 200, 2 shots है, 200 से 2 shots, यानी 2 कम, तो दोनों के मिला के कितने हैं, x और 2x प्लस हो गया, और ये डबल सेंचुरी से 2 shots है, तो ये हो गया 3x, और ये हो गया 198। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली, x इक्वल्स टू 198 अपॉन 3, x आ गया 66। अब सचिन के स्कोर है 2x और राहुल है x, तो ये x की वैल्यू 66 आई है, इसलिए सचिन के स्कोर हो जाएंगे 2x, दैट इज 2 into 66, दैट इज 132, और राहुल के स्कोर क्या हो जाएंगे, x जिसका वैल्यू आई है 66। तो ये आपके इस तरीके के स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं।
एक क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे, लास्ट क्वेश्चन। देखिए काफी सारे क्वेश्चंस इसमें स्टेटमेंट फॉर्म में दिए हैं बीइंग, लेकिन फिर भी मैं आपको वो बेसिकली बता रही हूँ जो आपको थोड़े से डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम सी देखते हैं उसका, पीपल ऑफ सुंदर गांव, सुंदर गांव के लोग प्लांटेड ट्रीज इन अ विलेज गार्डन, विलेज गार्डन में उन्होंने ट्री लगाए। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ फ्रूट के ट्रीज थे। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2, अब कुछ फ्रूट के ट्री हैं तो कुछ नॉन फ्रूट के ट्री होंगे, कुछ पे फल उगेंगे कुछ पे नहीं उगेंगे। तो उसने कहा द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, बिना फल वाले जो ट्रीज हैं, वर 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। फ्रूट ट्रीज के कंपैरिजन में बिना फ्रूट वाले ट्रीज जो हैं वो 3 टाइम्स से 2 ज्यादा हैं। कंपैरिजन किससे हो रहा है? फ्रूट ट्रीज से। तो हम लेट किसे करेंगे? लेट फ्रूट ट्रीज इज इक्वल्स टू एक्स। तो नॉन भाई, क्योंकि दो ही तरीके के ट्रीज होते हैं ना, तो नॉन ट्री फ्रूट ट्रीज क्या होंगे? 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लस 2, क्योंकि 2 मोर कह रहा है प्लस 2, तो ये हमारे नॉन फ्रूट ट्रीज हो गए। व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वाज 77। अब उसने कहा कि बताइए कि कितने फ्रूट ट्रीज प्लांट करेंगे यदि जो हमारे नॉन फ्रूट ट्रीज हैं वो 77 हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने कहा कि नॉन फ्रूट ट्रीज के बारे में दिया नहीं, हमने एक्स के फॉर्म में लिखा, और एक तरफ वो लास्ट में जाके कह रहा है स्टेटमेंट में कि वो 77 है। तो आप याद करिए जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपके पास कितनी मनी आप नहीं जानते और आपने उसमें से 40 खर्च कर दिए तो आपका क्या आएगा एक्सप्रेशन? आपने बताया x माइनस 40। फिर मैंने आपसे कहा कि आपने कुछ मनी थी आपके पास, आपको नहीं पता, 40 खर्च कर दिए बट आपके पास 60 रुपीज़ बचे। तो आपने कहा मैम x माइनस 40 इक्वल्स टू 60। तब आपने कहा ये मैम क्या बन गया? इक्वेशन। तो सिमिलरली ये फ्रूट ट्रीज दैट इज 3x प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 77 के। 3x इक्वल्स टू 77 माइनस 2, 3x इक्वल्स टू 75, सो x इक्वल्स टू 75 अपॉन 3 दैट इज 25। तो 25 ट्रीज थे फ्रूट के। और यही यहाँ पे यदि पूछ लेता कि नॉन फ्रूट ट्रीज कितने थे तो वो आपके 3x प्लस 2 है तो वो बता ही रहा है कि 77 है नॉन फ्रूट ट्रीज। तो इस तरीके से बेसिकली हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और आपको बहुत ही ध्यान से, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टेटमेंट जो बोल रहा है आपको उसको ध्यान से समझना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय नारायण।